नमस्कार दोस्तों, माय सिंपल टेरेस गार्डन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अपने एक्सोरा प्लांट पर कैसे अधिक फ्लावरिंग ला सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों देखिए, अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मेरा यह प्लांट मस्ती में झूम भी रहा है और आप इसकी फ्लावरिंग देख सकते हैं। इसमें कितनी हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग हुई है और फूलों का कलर देखिए, बहुत ही प्यारा है। इसमें रेड कलर के फ्लावर खिले हुए हैं और इसका साइज़ देखिए, आप देख सकते हैं इसके फूलों का साइज़ काफ़ी बड़ा है और इसमें जितने भी बंचेस आए हुए हैं सभी इसी तरह से काफ़ी बड़े साइज़ में इसमें फूल खिले हुए हैं। और इसमें फूलों की क्वांटिटी देखिए, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें फूल खिले हुए हैं। दोस्तों वैसे यह जो प्लांट है इसे मैंने 1.5 वर्ष पूर्व कटिंग से तैयार किया था और कटिंग तैयार हो जाने के बाद मैंने इसे यहाँ बाड़ी में शिफ्ट कर दिया था। और यह जो बाड़ी है वह पहले खेत हुआ करता था, पर हम लोगों ने अपने शौक़ को पूरा करने के लिए इसे तार जाली से बाउंड्री करवा कर बाड़ी बना लिया और अब हम यहाँ इसी तरह से कुछ फूल वाले प्लांट्स और फलदार पेड़ भी लगाते रहते हैं। दोस्तों वैसे यहाँ मेरा आना जाना काफ़ी कम होता है तो इसीलिए यहाँ लगे पौधों की देखभाल भी ठीक से नहीं हो पाती, लेकिन जब भी आती हूँ अपने पौधों को ज़रूर देखती हूँ और अपने इस एक्सोरा प्लांट को तो मैं अवश्य ही देखती हूँ और ज़रूरत पड़ने पर मैं इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करती रहती हूँ। दोस्तों अभी तक तो इसमें बहुत कम फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन अब की बार इसमें इतनी हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग हुई है कि मन करता है कि बस इसकी फ्लावरिंग देखती रहूं। दोस्तों इसमें हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग लाने के लिए मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है और मैंने केवल समय समय पर इसकी लंबी लंबी जो ब्रांच थी उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग की है और साथ ही साथ मैंने इसमें साल में 2 बार DAP के कुछ दाने डाले थे और आज इसका रिजल्ट देखिए, इसमें इतने ज़्यादा फूल खिले हुए हैं और इसका इतना बड़ा साइज कि पूरी हथेली भर के इसमें फूल खिले हुए हैं। दोस्तों वैसे इसमें जो फ्लावर होते हैं वो बंचेस में आते हैं और हाँ दोस्तों, मैं समय समय पर इस प्लांट की जड़ों के पास मिट्टी की गुड़ाई भी करती रहती हूँ ताकि इसकी मिट्टी में एयर सर्कुलेशन बना रहे। और दोस्तों यदि आप चाहें तो इस प्लांट को कटिंग से आसानी से तैयार कर सकते हैं या फिर एयर लेयरिंग से भी तैयार कर सकते हैं। वैसे यह प्लांट कटिंग से भी इजी तैयार हो जाता है। और दोस्तों यदि आप भी इसी तरह पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट चाहते हैं तो आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर कीजिए। यह बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है और साल भर कंटिन्यू इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो आप देखिए मेरे इस प्लांट को और खुश होते रहिए, क्योंकि मैं तो अपने इस प्लांट को देखकर बहुत खुश होती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ से तो जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, पर जाना तो पड़ेगा। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।